उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में मंगलवार को नक्सलियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रोहतास स्थित सरैया लाया गया। रोती बिलखती पत्नी ने बताया कि मंगलवार की सुबह फोन पर उनसे बात हो रही थी। वो बोले, अभी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, शाम को फोन करता हूँ। पर शाम को उनके शहीद होने की सूचना मिली। दरअसल उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में गत मंगलवार को एक टीम पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। इस हमले में धर्मेंद्र कुमार समेत सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे। इधर सैकड़ों बाइक पर सवार शहीद के पार्थिव शरीर को ला रही गाड़ी के साथ साथ सरैया गांव पहुंचे। सीआरपीएफ जवान के पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने तिरंगा लहराकर उन्हें सम्मान के साथ सलामी भी दी। साथ ही शहीद धर्मेंद्र अमर रहे ऐसे नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि शहीद जवान की पत्नी और बच्चों के रोने से शव के साथ आए सीआरपीएफ के जवान भी भावुक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।